भव्य, आपका होमवर्क नहीं आया बेटा मेरे पास अभी तक। लिया, बस फोटो क्लिक करके भेजना ही है। ठीक है, एक बारी लास्ट क्लास तब में जो हुआ था वो रिवाइज कर लो जल्दी से, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में बेटा हमने सबसे पहली चीज सीखी थी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का मीनिंग है ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ नेशन। फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर इन इंडिया। दूसरी जो चीज हमने पढ़ी थी वो था फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? इज द रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जाम्पल 1 डॉलर इक्वल टू ₹70। फिर इसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी थी, वो था करेंसी का एप्रिसिएशन एंड करेंसी का डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है? हम लोग जैसे इंडियन है, हमारी करेंसी कब एप्रिशिएट करेगी? जब $1 जो है वो ₹70 से घट के से ₹50 हो जाए। एंड डेप्रिशिएट कब होगी हमारी करेंसी? जब $1 जो है वो ₹70 से बढ़ के से ₹100 हो जाए। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इन कंट्रास्ट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, वेयर एज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो ये दो अभी तक हमने यहां तक जो था लास्ट क्लास में किया था, और अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सर, हाँ जी सुबह। जो आपने डेप्रिशिएट में बताया था उसमें इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट का रीजन बता दो। चलो मैं ये टॉपिक लिख रहा हूं बेटा, अभी बुक है आपके पास?
कोई भी एक बच्चा बुक में से, कोई भी एक बच्चा बुक में से रीडिंग कर दो बेटा डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के बारे में। मोहित है क्लास में? यस सर। शुरू हो जा बेटा। एक सेकंड बस बुक निकाल रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेट के सेकंड पेज पे गिवन होगा मेरे ख्याल में। पेज चैप्टर जो है राइट हैंड साइड से सैंडी में स्टार्ट हुआ था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। ठीक है सर। 11.1 मिल गया। हाँ सर ठीक है मिल गया। करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल रुपीज इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ प्राइस ऑफ डॉलर वन राइजेस फ्रॉम रुपीज 70 टू रुपीज 74। अ चेंज फ्रॉम डॉलर टू is equals to euro 1 to dollar 1.5 is equals basically rupees की बात करते हैं। Soha आपको यहाँ तक clear हुआ कि इसमें Indian currency depreciate क्यों हो रही है? Yes sir। अब simple सी बात है, अगर पहले आपको $5 की चीज अगर लेनी थी US से import करनी थी, कितने रुपए देने पड़ते थे आपको? 350 Yes, sir. अब कितने देने पड़ते हैं $5 की चीज लेने के लिए? 370 74 into 5। Yes, sir. तो देखा जाए तो हमारे लिए प्राइस जो है फॉरेन गुड्स का वो बढ़ गया। Yes. और अगर प्राइस जो है फॉरेन गुड्स का बढ़ जाएगा तो हमारी जो क्वांटिटीज डिमांडेड है फॉर फॉरेन गुड्स, बेसिकली हमारे इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे? तो बस यही चीज हमने ऊपर लिखी है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से इम्पोर्ट जो है कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एप्रिसिएशन से इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। इसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर गिवन होंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, तो इसके लिए सारे बच्चों के पास बुक होनी जरूरी है मेरे हिसाब से। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम सबसे पहले जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक सिस्टम होता था जिसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहा जाता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक चीज कर दी जाती थी कि सपोज फिक्स कर दिया कि $1 जो है इसका प्राइस है ₹50 कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, से इन्होंने कर दिया 6 महीने के लिए जो है अब ये फिक्स रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करता था इससे। और डॉलर एक जो है सपोज एक्स यूरोज में है, वाई पाउंड में है, एटसेट्रा करके इन्होंने लिस्ट कर दिए थे सारी की सारी चीजें 6 मंथ के पीरियड के लिए। ये करता कौन था? ये प्रोसेस जो थी वो गवर्नमेंट करती थी। दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट बैठ गई, उन्होंने जो है एक अपना म्यूचुअल वो बना लिया कि जी $1 कितने रुपए का रखना है। तो जैसे हमने सबने डिसाइड कर लिया कि ₹50 का होना चाहिए, तो ये टाइम फिक्स हो जाता है कि जी 6 महीने के लिए अब $1 की वैल्यू सिर्फ ₹50 ही रहेगी। सो इसे कहा जाता था फिक्स। सर इंडिया तो बोलेगी और कम करो, ऐसे तो मतलब वो होती रहती होगी हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। इनफैक्ट अगर सर, हाँ। अगर मैं हूंगा तो मैं यही बोलूंगा ना मेरी कंट्री की करेंसी वो एप्रिशिएट हो, ठीक है कहूंगा कि ठीक है। अभी आपने सपोज ये सिनेरियो है, आपने बोल दिया क्योंकि देखो 6 महीने के लिए फिक्स हुआ है तो 6 महीने बाद इसे रीअसेस किया जाता था। ठीक है, 6 महीने बाद दो सिनेरियो हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जी अब $1 जो है ₹50 से बढ़ा के, या पहले हम मोहित की बात रख लेते हैं कि जी ₹30 कर देते हैं। ठीक है मोहित? यस सर। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा?
जब आप 30 रुपए कर दोगे तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ जाएंगे इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे। अब जब हम इम्पोर्ट करते हैं यूएस से, तो हम यूएस को पेमेंट रुपीज में करते हैं या डॉलर्स में करते हैं? डॉलर में। तो इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो खत्म नहीं होने लग जाएंगे, और फॉरेन एक्सचेंज बहुत जरूरी चीज होती है। वो हमने एलपीजी के अंदर पढ़ा था कि फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है टू इम्पोर्ट पेट्रोल एंड अदर एसेंशियल आइटम्स, है ना? तो इससे तो आपके सारे डॉलर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और जब फ्यूचर में आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके पास तो होगा ही नहीं पैसा, देन आपको बोरो करना पड़ेगा फिर डॉलर। तो फिर सर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए, डेप्रिसिएशन ज्यादा? ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट देखो, इसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक भी अगर आपको पता हो फॉरेन एक्सचेंज के साथ, उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, जिससे कि गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स के ऊपर अपनी नजर रखती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जी उनके इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं यूएस से, यानी कि हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है विलिंगली अपनी करेंसी को क्या कर देती थी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट। बट उस सिनारियो में इसे डेप्रिसिएशन नहीं कहते थे, इसे डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कहा जाता था। लास्ट पॉइंट दोबारा बता दो एक बार। देखो, अगर सपोज 6 महीने तक हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ वो खुद जो है मिलके डिस्कस करते हैं जब, तो वो कह देती है गवर्नमेंट कि जी आप $1 को 50 रुपए से बढ़ा के 70 रुपए कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग इम्पोर्ट करते रहे यूएस से सारा सामान। नहीं, क्यों नहीं चाहती? उसके दो रीजन है। पहला तो उनके फॉरेन एक्सचेंज जो है वो, उनके रिजर्व्स डिक्लाइन हो रहे हैं, दूसरा उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खराब हो रही हैं, और यूएस को ही प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर तो सारा का सारा। तो गवर्नमेंट जो है विलिंगली क्या करती थी, अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती थी। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों सेम चीजें हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में किया जाता था, और आज के टाइम पे जो होता है या फ्लेक्सिबल में जो होता है उसे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी कहते हैं। अगर $1 $50 to $70 हो जाए आज के टाइम पे, उसे हमने अभी अभी पढ़ा कि उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट इसी चीज को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कहा जाता था, और जब ये कम कर दिया जाता था इसे एप्रिसिएशन ना कह के इसे रीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कहा जाता था। सो अगर आप देखोगे बुक के अंदर दो डिफरेंसेस गिवन होंगे, डेप्रिसिएशन वर्सेस डीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन वर्सेस रीवैल्यूएशन। कोई भी एक समझ लो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन वर्सेस डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है बेटा वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता था, वेयर एज डेप्रिसिएशन जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर कहा जाता है। डेप्रिसिएशन जो है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई मिलकर जो है वैल्यूज को फ्लक्चुएट करती हैं कि बढ़ गया या कम हो गया, जैसे आज के टाइम पे होता है कि जी डॉलर की वैल्यू बढ़ गई या रुपया गिर गया, जो भी है। सो अगर रुपया गिर गया दैट मीन्स वो डेप्रिशिएट हो रहा है, और ये मार्केट फोर्सेस कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। बट जो डीवैल्यूएशन होता था वो गवर्नमेंट करती थी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके अंदर मार्केट फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं था। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी जो है गवर्नमेंट इंटेंशनली करती थी दो रीजन की वजह से, एक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो जो डिक्लाइन हो रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, दूसरा अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए यूएस के जो है इकोनॉमी है उस पे। और जो डेप्रिसिएशन है वो अनइंटेंशनली जो होता है वो सब लोग कर देते हैं। अगर हम सपोज यूएस से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डिपेंडेंट बना रहे हैं इंडिया को यूएस पे, तो इस तरीके से वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। रीड समझ में आया सबको डीवैल्यूएशन क्या है और रीवैल्यूएशन क्या है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? कितनी भी सर, डीवैल्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को यूएस गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ता था या फिर वो खुद ही कर देते थे? दोनों मिलके करते हैं बेटा, दोनों मिलकर। बट वैसे यूएस गवर्नमेंट होती है वो डीवैल्यूएशन ज्यादा फायदा समझती होगी। एक इसमें ना देखो बेटा, अब यहाँ पे ना बात ये आ जाती है कि यूएस को देखा जाए तो प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी तरफ से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, है ना? हाँ, तभी तो वो होते हैं डीवैल्यूएशन में, वो रीवैल्यूएशन में। हाँ, रीवैल्यूएशन में। बट एक चीज देखो, क्या सिर्फ
इंडिया ही यूएस से सामान मंगवाता है क्या? यूएस इंडिया से सामान नहीं मंगवाता होगा? मंगवाता होगा। सो ये दोनों जो होते हैं मिल के करते हैं। इसके अलावा तुम्हें पता है यार WTO है नाम की एक चीज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इन चीजों को लेके बैठते हैं, सारी चीजें देखते हैं और ये फिर म्यूचुअली सॉल्व किया जाता है या किया जाता था, क्योंकि आज के टाइम पे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है। सही, कितने टाइम पहले होता था ये? तो शायद 1960s तक था जहां तक मेरे को है आईडिया, बुक में मे भी लिखा भी होगा ये कब तक था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आएगा से यही होंगे फ्लेक्सिबल। इसके अंदर दो पार्ट थे, फिक्स एक्सचेंज और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, वो पढ़ने जरूरी है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर दो पार्ट थे, पहला था GSS दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। और दूसरा था BWS दैट इज ब्रिटन वुड्स सिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं। हाँ ये दो पार्ट हैं। आई गेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक GSS फॉलो किया जाता था। उसमें क्या होता था वर्ल्ड की सारी 1914 तक। हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो है, तो उसमें क्या था कि वर्ल्ड की सारी करेंसीज को गोल्ड की टर्म में आपने मेजर कर दिया था। आपने कहा था दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है से, या 10 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है इक्वल्स टू XINR $Y ZYEN, इस तरीके से आपने सारी करेंसीज बना दी थी। एंड देन सपोज अगर आपको US के डॉलर लेने हैं क्योंकि आपको इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए आप उन्हें उसी की अकॉर्डिंगली गोल्ड देते थे अपनी कंट्री का, देन आपको जो है वहां से बदले में आपको डॉलर मिलता था, देन आप वो डॉलर से जो है परचेज करते थे। सो बेसिकली इसके अंदर गोल्ड को इधर उधर किया जाता था, बट गोल्ड जो है उसको इधर उधर करना काफी मुश्किल काम है। तो हुआ क्या था, US में दो इकोनॉमिस्ट थे, उनके नाम दिए मैं बुक में, नहीं सर। एक मिनट दो, मैं आपको बता देता हूँ कि इनके नाम क्या थे, मेरे दिमाग से उतर गए हैं। दो इकोनॉमिस्ट थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, इनका सरनेम था ब्रिटन और एक दूसरे का नाम था वुड्स। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड की सारी करेंसीज को गोल्ड से हटा के डॉलर की टर्म में स्टेट कर दिया था कि $1 इक्वल टू X रुपीज YEN Z यूरो एटसेट्रा, इस तरीके सर गिवन है बुक में। क्या नाम थे उनके सर? ब्रिटन वुड्स स्टैंडर्ड। यश मैं बोल रहा हूँ, ब्रेटन और वुड्स उनके सरनेम है, ओरिजिनल नेम क्या थे वो पता है, बुक में दिए हुए हैं। अगर नहीं है तो कोई लेना देना भी नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर भी 6 महीने के लिए फिक्स कर दिया जाता था, या सपोज 1 साल के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये GSS था और ये ब्रिटन वुड सिस्टम था। यहाँ पे दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक है पैरिटी वैल्यू और एक टर्म है पेगिंग। तो जब आप गोल्ड की टर्म्स में वर्ल्ड की करेंसीज को स्टेट करते थे, इन्हें कहा जाता था पैरिटी वैल्यू ऑफ गोल्ड। और जब आपने डॉलर की टर्म्स में हर कंट्री की करेंसी को क्या कहते हैं इसे, कनेक्ट किया या क्या कह सकते हैं ट्रांसलेट किया उनकी टर्म में, तो उसे कहा जाता है पेगिंग। एक बार ही कोई भी मोहित जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आराम से थॉरली रीड कर दो बेटा, क्या है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? रेफर्स टू अ सिस्टम in which exchange rate for a currency is fixed by government. The basic purpose of adopting this system is to ensure stability in foreign trade and capital movement. To achieve stability, government undertakes to buy foreign currency when the exchange rate becomes weaker and sell foreign currency when the rate of exchange gets stronger. For this, government has to maintain large reserves of foreign currencies to maintain the exchange rate at the level fixed by it. Under this system, each country keeps value of its currency fixed in terms of some external standard. This external standard can be gold, silver, other precious metal, another country's currencies, or even some internationally agreed unit of account.
when value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging. When value of currency is fixed in terms of some another currency or in terms of gold, it is known as parity value of currency. सही गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वोट स्टैंडर्ड पढ़ना देखो वैसे आप लोगों के सिलेबस के पार्ट है नहीं बट रीड करने में कुछ नहीं जाता फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल भी नहीं आप लोगों के सिलेबस में पेपर में नहीं आती चीजें बट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड इन अर्लियर टाइम्स एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड 1870 to 1914 and Britain Woods standard 1944 to 1971. According to gold standard, external values of all currencies were maintained by fixing their prices in terms of gold. Central bank of each country was ready to buy and sell unlimited quantities of gold at a fixed price in terms of its own currency. For example, euro 1 is equals to 5 gram of gold. And dollar one is equal to 2 gram of gold. Then exchange rate will be euro one is equal to dollar 2.5. तेरी ये कैसे करा? क्या चीज़ बेटा मैंने सुनी नहीं बात बोलो? कि for example if क्या कहते हैं euro one is equal to 5 gram of gold and dollar one is equal to 2 gram of gold. Then exchange हाँ, तो rate will be ढाई हो गया ना हाँ यूरो वन अगर 5 ग्राम है गोल्ड का और डॉलर वन 2 ग्राम है डॉलर वन जो है 2 ग्राम है सो डॉलर महंगा है यूरो से कहने का मतलब क्या हो गया कि एक डॉलर जो है नहीं सॉरी एक यूरो जो है वो $2.5 का है यही लिखा हुआ है हाँ सर अब एक चीज देख बेटा दोनों साइड इक्वल कर इसे अगर 5 ग्राम बनाना है तो इसे 2.5 से मल्टीप्लाई कर देगा हाँ इधर भी 2.5 से इक्वल तो फिर यूरो महंगा हुआ ना हाँ यूरो महंगा है एक यूरो जो है $2.5 का है हाँ ठीक है सर अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन वुड्स स्टैंडर्ड गुड्स वाज गोल्ड वाज रिप्लेस्ड बाय US dollar as the core of the system. Under this system, all currencies were pegged or related to US dollar at a fixed exchange rate. This system gave birth to International Monetary Fund as the central institution in the international monetary system. हाँ जी और तब से जो है मतलब Second World War के बाद से जैसे US जो है एक सबसे powerful economy बन के निकला था जब तब से dollar जो है वो ग्लोबल करेंसी है ग्लोबल करेंसी का मतलब क्या है जैसे वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी हो गई कुवैती दिनार बट पूरी दुनिया में अगर आपको कहीं पे भी ट्रेड करना है तो यूएस डॉलर हर जगह जो है वो ट्रांजेक्शन में लिया जाता है वो ग्लोबल करेंसी है ठीक है किसी को फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डाउट है रीजन क्या है बेटा देखो अगर आप यूएस डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे सो बेसिकली आप यूएस को जो है एक तरीके से क्या कहते हैं उसे चुनौती दे रहे हो कि भाई हम आपकी चीजों को फॉलो नहीं करते या हम आपके जो डोमिनेंस है उसके अगेंस्ट है और फिर यूएस से लड़ाई करने का मतलब तो पता ही है सबको जापान के बारे में सबको पता है ना 6 अगस्त के बारे में हिरोशिमा तो वो वही चीज है ऐसे तो सर ये रशिया भी बोलेगा कि मेरे भी वो एक्सेप्ट करो बेटा देखो हर कोई बोल सकता है बट यूएस उस टाइम पे सबसे पावरफुल इकोनॉमी था तो वो तब से सिस्टम बना हुआ है अब अगर आगे जाके कभी कोई वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन होगी उसके बाद जो निकलेगा हो सकता है उसकी करेंसी जो है ग्लोबल बन जाए बट अभी फिलहाल यूएस डॉलर यूज की जाती है ठीक है सर जैसे यहाँ शॉप्स खुली होती हैं तो एक्सचेंज करती हैं मतलब पैसे हाँ. जैसे रुपीस जैसे डॉलर हाँ, ऐसे हाँ, करती हैं वो हम कितने भी करवा सकते हैं वो भी हाँ करवा सकते हो बट उसके बारे में अभी बात करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसी से ही मजा आना शुरू हो जाएगा और
एक चीज और आपने रीड करनी है बेटा, डेप्रिसिएशन वर्सेस डीवैल्यूएशन। तीन पॉइंट्स लिखे होंगे जो मैंने बताए हैं, पहला एक फिक्स्ड का था, एक फ्लेक्सिबल का है, दूसरा गवर्नमेंट करती है, मार्केट फोर्सेस करती है, तीसरा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। चेक कर लो, डिप्रिसिएशन इंटेंशनल वाला नहीं है। वैसे सीबी सचदेवा में होगा, इसमें नहीं है, तो एक बार रीड करो क्या पॉइंट्स है। मीनिंग devaluation refers to the reduction in price of domestic currency in terms of all foreign currency under fixed exchange rate regime. Depreciation refers to fall in market price of domestic currency in terms of a foreign currency under flexible exchange rate regime. Occurrence, it takes place due to government. It takes place due to market forces of demand and supply. Exchange rate system, it takes place under fixed exchange rate system. It takes place under flexible exchange rate system. ठीक है, और चौथा आप ये लिख दो कि ये intentionally करती थी government और ये unintentionally या willingly नहीं होता इतना। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट है। उसने एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट के अंदर ही उसको एक थर्ड पार्ट अलग से बना दिया, एक मीनिंग डाल दिया, मीनिंग में उसने लिखा है वैसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और यहाँ पे उसमें जो था डेप्रिसिएशन में फ्लेक्सिबल लिखा हुआ था, बट उसने नीचे थर्ड पॉइंट एक और बना दिया। आज के टाइम पे वैसे कौन सा यूज होता है, फिक्स या फ्लेक्सिबल, आप लोगों को पता हो? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, और कोई कुछ बताना चाहे, फिक्स या फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल। गलत जवाब, गलत है, गलत है। मिक्स नहीं, मिक्स भी नहीं है। So, यहां से हमारे दो सिस्टम और आते हैं फिक्स्ड के अलावा, एक है फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोट करने का मतलब पता है? बहता हुआ। जब कोई फ्लोट कर रहा होता है तो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, सो यही फ्लेक्सिबल का मीनिंग है। ठीक है, इसे आप फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कह सकते हो। और तीसरा जो आज के टाइम पे यूज होता है, इसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग, आल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम फ्लेक्सिबल की बात कर लेते हैं। अभी तक हमें ये चीज समझ में आई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर कि यहाँ पे जो है एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो है वो मार्केट फोर्सेस करती है। आप लोग डॉलर कब ज्यादा खरीदोगे, जब एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा या कम? कम। सो डिमांड कर्व जो है वो हो गया इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट। सप्लाई कब ज्यादा करोगे, जब एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा। यहां पे आप लिख सकते हो क्वांटिटीज। जहां पे ये दोनों मीट करते हैं इस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये प्राइस फिक्स किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, किसी को कोई डिमांड ऑफ डॉलर्स है, मतलब डिमांड, हाँ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सिस्टम क्यों हटाया गया? इमेजिन बेटा कि एक डॉलर जो है एक्सचेंज रेट है यहाँ पे 50 रुपए का। अब जब ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है तो लोग जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेक्यूलेशन करते हैं, यानी कि सट्टेबाजी करते हैं, जो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में नहीं हो सकती थी क्योंकि वैल्यू फिक्स्ड है। तो आप क्या कहोगे कि भाई आज डॉलर खरीद लेते हैं कल को बेच देंगे, ऐसा नहीं होता था उस टाइम पे। उसने जैसे लिखा भी हुआ है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, बट यहाँ पे वैल्यू जो है डेली और सेकंड में कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। तो लोग क्या करते थे, उन्होंने सपोज बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ा दी किसी ने, इससे हुआ क्या, डॉलर वन जो है 50 से कितने रुपए का हो गया, 70 का। सपोज मोहित है, मोहित ने $100,000 परचेज कर लिए थे, तो डिमांड बढ़ गई एकदम से। डिमांड बढ़ने से 50 रुपए के डॉलर की वैल्यू हो गई 70 रुपए। अब अगर मोहित इसे बेच दे एकदम से तो मोहित को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? दो करोड़ 20 लाख रुपए का भाई, 20 लाख होंगे। हाँ, 1 लाख डॉलर खरीदे और 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिए फिर, हाँ, 20 लाख रुपए का फायदा हो गया ना।
सो ये स्पेक्यूलेशन से बहुत ज्यादा इशू आते थे. इसलिए जो है आज के टाइम पे मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग यूज होता है, जिसके अंदर या जिस सिस्टम में अगर बात की जाए, सेंट्रल बैंक जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर. हमें पता है सेंट्रल बैंक जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है. तो अगर आज के टाइम पे कोई इस तरीके से 70 रुपए कमाना चाहे या 20 लाख रुपए का प्रॉफिट एकदम से करवाना चाहे, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने रिजर्व्स जो है वो मार्केट के अंदर खत्म कर देता है. उससे क्या होगा, जब वो अपने रिजर्व्स मार्केट में डाल देगा तो सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी, और एज अ रिजल्ट नया डिमांड और सप्लाई कर्व जो है जहां मीट कर रहे हैं, ये 50 रुपए से हो सकता है 51 रुपीज हो या 50.6 पैसा बढ़ जाए, 60 पैसा बढ़ जाए, इस तरीके से हो. सो इससे जो है ये फ्लक्चुएशन जो थी 50 से 70 रुपए की, इसको सेंट्रल बैंक जो है वो अंडर कंट्रोल रखता है. इसे मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है. तो मतलब रिजर्व वो किस टर्म में डालेगा, डॉलर्स और डाल देगा? हाँ, उसके पास डॉलर के रिजर्व होते हैं ना, वो सारे एकदम से मार्केट के अंदर जो है इंजेक्ट कर देता है. फॉर्म में डालेगा, मतलब ऐसे इंजेक्ट कैसे करेगा वो? जैसे कि सपोज एकदम से डिमांड आएगी जी हमें 1 लाख डॉलर चाहिए, तो जिससे आएगी सेंट्रल बैंक को ये चीज पता होती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ये चीज, एक बात होता है तुम्हें 1 लाख डॉलर कौन देगा? करेंसी डीलर दे सकता है जो रोड साइड बैठा हुआ है? नहीं नहीं, ये 1 लाख डॉलर की डिमांड अगर आपने की है तो आप किसी बैंक से करोगे. बैंक जो होते हैं वो ये चीज एकदम से बता देते हैं सेंट्रल बैंक को. तो आप बाहर से डॉलर लेने से बेटर है सेंट्रल बैंक अपने जो रिजर्व्स होता है वो खत्म करके कहता है दे दो चीज को. तो उससे अगर फ्लक्चुएशन होगी भी थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं होती. सेंट्रल बैंक जो है 1% पॉजिटिव या 1% नेगेटिव की फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के हिसाब से अपने पास रिजर्व्स मेंटेन करके हमेशा रखता है. ठीक है, लेकिन ये 70 रुपए का एकदम जो आया, ये तो 1% से ज्यादा ही है बहुत. नहीं, ये तो तब था ना जब सेंट्रल बैंक ने सप्लाई नहीं डाली थी मार्केट के अंदर, तो ये था फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर. बट आज के टाइम पे जब सेंट्रल बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस केस को जो है उससे जो है फ्लक्चुएशन देख ज्यादा नहीं आई. अगर नया डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं E1 पे, पुराने वाला था E पे, अगर आप गैप चेक करोगे मेरे ख्याल में कुछ आ ही नहीं रहा. अगर आएगा भी तो इतना सा आ जाएगा, मतलब 1 रुपया बढ़ जाएगा. अब 1 रुपये के पीछे कोई 50 लाख रुपए की तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं भाई. जब ऐसे ये जो वो मार्केट फोर्सेस को ये बार बार वैल्यू कौन करता है, कोई ऐसी वो है कमेटी या मतलब कुछ ऐसा? कमेटी तो नहीं, स्टॉक एक्सचेंजेस ही होते हैं जो इन चीजों को मॉनिटर करते हैं सारा. एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे कोई ना कोई करता है, जैसे IMF हो गए, काफी सारे इंस्टीट्यूशंस है जो इस चीज को करते हैं. बेसिकली स्टॉक मार्केट ही देखता है इन चीजों को. और सर जो वो चीज होती है, जैसे बोलते नहीं है कि मैंने गोल्ड खरीद लिया तो MCX होता है शायद, ऐसे में डॉलर भी तो होता है ना, वो चीज क्या होती है फिर? वो यही तो चीज है बेटा कि अगर आपने डॉलर खरीद लिए, अब फ्यूचर में सपोज सेंट्रल बैंक ने अपने जो रिजर्व्स हैं वो मार्केट में लेके नहीं आया, दैट मीन सप्लाई जो है वो इतनी नहीं बढ़ी. एज अ रिजल्ट डॉलर जो है डिमांड बढ़ने से उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ी होगी डॉलर की. जैसे कि डिमांड कर्व जब बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, नया एक्सचेंज रेट कहीं तो सेट होगा ना. हाँ, तो ये हायर वैल्यू होगी इस 50 वाले से. तो ठीक है, 11th क्लास में सबने वो चीज पढ़ी हुई है. कौन सा था हमारा टॉपिक? है प्राइस डिटरमिनेशन का. तो जब डिमांड बढ़ती है, कंपटीशन होता है बायर्स में, बायर्स जो होते हैं विलिंग होते हैं हायर प्राइसेस के लिए, तो उस तरीके से एक्सचेंज रेट बढ़ने लग जाता है. और जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो लोग सेल करके अपना प्रॉफिट या कमीशन कमा लेते हैं इस तरीके से. बट ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा ना हो, इस चीज को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक देखता है. सो ये मैनेज फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग है. एक बारी रीकनेक्ट कर लो. मैं ये पूछ रहा था कि वो MCX जो होता है वो सब क्या होता है? सेंसेक्स एंड ऑल. हाँ, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी. ठीक है, एक बारी रीकनेक्ट कर लो. पहले हम एक बारी बुक में से रीड कर लेते हैं फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग.